हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मामून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अंडा भुर्जी ग्रेवी। तो फिर चले इसे शुरू करते हैं। पहले हम अंडे की भुर्जी बनाएंगे। तो मैंने यहां पे एक बोल में चार अंडे को फोड़ लिया है। आप यहां पे अंडे की क्वांटिटी आपकी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक सिर्फ अंडे के हिसाब से डालें, बाकी हम आगे की प्रोसेस में डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब इसे ले चलते हैं भुर्जी बनाने के लिए। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाने के बाद डाल देंगे अंडे को। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम पर रखा है और इसे कुछ टाइम छोड़ देंगे थोड़ा सा नीचे सेट होने के लिए। अंडे यहाँ पे नीचे की साइड से थोड़ा सा सेट हो चुकी है। अब इसे हम तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। यहाँ पे मैंने अंडे की भुर्जी बना दिया है। अब इसे निकाल देंगे प्लेट में। सेम पैन में ऐड किया है मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल। एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का रखा है और इसे लाल हो जाने तक फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो भी रॉ स्मेल है वो सारे निकल जाए। प्याज अदरक लहसुन सारे यहाँ पे फ्राई हो जाने के बाद बाकी सारे मसाला ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो पे रखा है ताकि जो भी हम सूखी मसाला ऐड करेंगे वो सारे ना जले। एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है मैंने। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। ये सारे मसाला मैंने इसी टाइम डाला है ताकि सब्जी का कलर अच्छा आए। कुछ सेकेंड से इसे फ्राई करने के बाद डाल देंगे टमाटो प्यूरी। 2 टमाटर को यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया था। इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। मसाला डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे कुछ टाइम छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे मिला देंगे और ग्रेवी में थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा बॉयल आने पर अंडे की भुर्जी को डाल देंगे। भुर्जी डालने के बाद इसे मसालों के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसे कवर करके ज्यादा टाइम नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने कवर को हटाया है। कवर हटाने के बाद इसे थोड़ा मिला देंगे। मिलाने के बाद डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। साथ में थोड़ी सी हरा धनिया भी डाल देंगे। धनिया और गरम मसाला डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे और इसे फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रखेंगे ताकि धनिया और मसाला का फ्लेवर अच्छी तरीके से ग्रेवी में आ जाए। यहाँ पे अंडे भुर्जी ग्रेवी बनके तैयार। तो ऐसे ले चलते हैं सर्व करने के लिए। इसे मैंने एक प्लेट में सर्व किया है। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।